हाउसफुल बॉलीवुड की लोकप्रिय सीरीज है। इसके पिछले दोनों सफल भागों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, जबकि तीसरे भाग की बागडोर साजिद फरहाद को सौंपी गई है। इस सीरीज में ऐसा हास्य दर्शकों के आगे परोसा जाता है जिसमें दिमाग को सिनेमा घर के बाहर रखिए और फिल्म का मजा लीजिए। बटुक पटेल अपनी तीन बेटियों गंगा, जमुना और सरस्वती के साथ लंदन में रहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी जवान बेटियां शादी करें। गंगा का बॉयफ्रेंड सैंडी है तो जमुना का टेडी और सरस्वती का बंटी। बटुक को जब यह बात पता चलती है तो वह अपनी बेटियों को कहता है कि यदि गंगा ने शादी की तो उसके पति का पहला कदम घर में रखते ही बटुक मर जाएगा। यदि जमुना के पति ने बटुक को देखा और सरस्वती के पति ने पहली बार कुछ बोला तो बटुक की मृत्यु निश्चित है। तीनों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को यह बात बताती है। तीनों पैसे के लालची दिमाग लड़ाते हैं। एक अंधा बन जाता है तो दूसरा गूंगा, तीसरा कहता है कि उसके पैर चलने के काबिल ही नहीं है। वे बटुक के घर में ही उसके साथ रहने लगते हैं। कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। स्क्रीन प्ले में जरा सी भी कसावट नहीं है। कॉमेडी सीन दोहराव के शिकार हैं। वन लाइनर्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और एक समय के बाद ये अखरने लगते हैं। फिल्म की हीरोइनों की हिंदी बहुत ही कमजोर है और वे अंग्रेजी को अनुवाद कर हिंदी में बोलती है। जैसे लेट्स गो फॉर हैंगआउट को वे बोलती हैं चलो बाहर लटकते हैं, या लाइम लाइट को नींबू की रोशनी। एक दो बार तो इन संवादों को सुनकर हंस सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। लेखक के रूप में साजिद फरहाद कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं। आखिर कब तक वे थके मांदे चुटकुलों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे? इससे बेहतरीन चुटकुले तो व्हाट्सएप पर पढ़ने को मिल जाते हैं। बतौर निर्देशक भी साजिद फरहाद का काम औसत से नीचे है। उनके लिए निर्देशन का मतलब है लिखे हुए को फिल्म देना। इस गंभीर काम को उन्होंने हल्के से लिया है और एक बड़ा मौका उन्हें मिला था जिसे उन्होंने गवा दिया। फिल्म की शुरुआत बेहद ठंडी है। अक्षय, अभिषेक और रितेश के परिचय वाले सीन निहायत ही कमजोर है और कॉमेडी के नाम पर ट्रेजेडी है। दूसरे हाफ में ही फिल्म थोड़ी ठीक है। हाउसफुल 3 में सबसे बड़े स्टार अक्षय कुमार हैं, जो कि कॉमेडी में माहिर हैं। लेकिन उनको अभिषेक और रितेश के बराबर दृश्य मिले हैं, जबकि वे इससे ज्यादा के हकदार थे। अक्षय की पूरी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाया है। उन्हें जो भी सीन मिले हैं उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है और थोड़ा बहुत दर्शकों को अपने दम पर हंसाया है। इस तरह की कॉमेडी फिल्मों के रितेश देशमुख अनिवार्य अंग हैं और वे अब टाइप्ड हो गए हैं। अभिषेक बच्चन और एक्टिंग में 36 का आंकड़ा है। उन्हें एक रेपर की भूमिका दी है जिसमें वे जरा भी नहीं जमे। बेवकूफ लड़कियों के किरदार में जैकलिन फर्नांडिस, लीसा हेडन और नरगिस फाकरी में होड़ इस बात की थी कि कौन बुरी एक्टिंग करता है। बोमन ईरानी को सबसे ज्यादा फुटेज मिले हैं। अजीब सी वीक पहने वे एक्टिंग और ओवर एक्टिंग के बीच की लाइन पर घूमते रहे हैं। हाउसफुल 3 के पिछले दोनों भाग मनोरंजन करने में सफल रहे थे, लेकिन हाउसफुल 3 इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। साजिद फरहाद को भव्य बजट और बड़ी स्टार कास्ट मिली, लेकिन वे फिल्म को संभाल नहीं पाए और तीर निशाने पर नहीं लगा। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।